बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब यात्रा निकालने के दौरान एचटी लाइन की चपेट में आकर चार युवक झुलस गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं तीनों युवकों को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल ले जाया गया जहाँ तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शोभा यात्रा के दौरान अचानक विद्युत सप्लाई चालू होने से लोगों ने बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है। दरअसल अलीगंज कस्बे में काफी सालों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसको लेकर शोभा यात्रा कमेटी की तरफ से पहले ही बिजली विभाग को पत्र लिखा गया था जिसमें शोभा यात्रा निकालने के दौरान दिन में विद्युत सप्लाई रोकने की मांग की गई थी, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शटडाउन का समय था। ऐसे में सप्लाई चालू रहना विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इस बीच आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुबह 9 बजे से करीब 20,000 श्रद्धालुओं के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शोभा यात्रा दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही अलीगंज थाने से आगे बढ़ रही थी तो शोभा यात्रा के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आकर डीजे पर बैठे चार युवक करंट की चपेट में आ गए, जिससे अचानक करंट उतरने की वजह से मौके पर भगदड़ के साथ लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 3 युवकों को आनन फानन में बरेली के निजी अस्पताल ले जाया गया जिनकी नाजुक हालत को देखते हुए इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। घायल युवकों में अलीगंज निवासी 24 वर्षीय अर्पित गुप्ता, 17 वर्षीय उज्ज्वल गुप्ता और बिशारतगंज के रहने वाले रोहित गोस्वामी शामिल है। इन युवकों में अर्पित गुप्ता गौरक्षा दल, वहीं उज्ज्वल और रोहित गोस्वामी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बताए जा रहे। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही एसीएम प्रथम नहनेराम, सीओ आशीष प्रताप समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान और जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने निजी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शटडाउन के बाद भी बिजली की सप्लाई कैसे चालू हो गई, इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराने की बात कही है। देखिए, थाना आंवला, तहसील आंवला में अलीगंज क्षेत्र है। अलीगंज से शोभा यात्रा भगवान कृष्ण की आज निकल रही थी लगभग 2 बजे और नगर क्षेत्र वहाँ का पार करने के बाद रास्ते में 11,000 की जो एसटी लाइन होती है उससे डीजे के ऊपर बैठे हुए 3 लड़के उनके चपेट में आ गए, जिससे वो घायल हो गए हैं और उनको यहाँ पर ईशान अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ में हमारे एसडीएम साहब और मौके पर पहुँचे थे, माननीय जनप्रतिनिधिगढ़ भी वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर कोई और इशू नहीं है, बट इनका इलाज प्रॉपर हो इसलिए हमारे यहाँ के सीएमएस भी यहाँ पर मौजूद हैं और इलाज चल रहा है। 2 बच्चे आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं और तीसरे की भी स्थिति स्टेबल है। हम जांच कराते हैं कैसा कैसे हुआ कि वहाँ पर शटडाउन लिया गया था तो शटडाउन के बाद भी बिजली कैसे आई, कब आ गई। नॉर्मली तार जो है वहाँ का जो अभी पता चल रहा है अंदाज से लगभग 12 से 14 फुट की ऊंचाई पर है। बिजली के तार के ऊंचाई पर होने के बावजूद भी बिजली का करंट वहाँ नहीं रहना चाहिए था, इसी बात की भी हम जांच कराएंगे। जो जिम्मेदार हो इस पर कार्रवाई होगी और जो घायल लोग हैं उनको भी जो अनुमन्य मुआवजा होगा, सहायता राशि होगी बिजली अधिनियम के अंतर्गत, उस पर उनको भुगतान किया जाएगा।